20वीं सदी की शुरुआती दौर में यानी 1914 से लेकर 1918 तक पहले जागतिक युद्ध के दौरान तकरीबन 10 लाख से भी अधिक भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और फ्रांस के भूमि पर जी जान से लड़कर बड़े तौर पर जीत हासिल करने में मदद की। दुर्भाग्यवश कम से कम 65,000 भारतीय सैनिक इसमें मारे गए, हजारों लापता और 70,000 सैनिक घायल हो गए, अपाहिज हो गए। 17 में उस समय के मुंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन की पत्नी लेडी मेरी विलिंगटन ने उन अपाहिज जवानों के लिए प्रशिक्षण संस्था की नींव रची। नाम दिया गया क्वीन मेरीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। नाम दिया गया क्वीन मेरीज टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स ऑफ इंडिया। इस संस्था की शुरुआत हुई थी मुंबई में, पर 1922 में आवश्यक जगह की कमी के कारण यह संस्था पुणे के खड़की में स्थापित की गई। QMTI इस संस्था में मोटर कार ड्राइविंग, ऑयल इंजन ड्राइविंग, होजियरी, टेलरिंग, हैंडलूम जैसे कारोबार का प्रशिक्षण देना शुरू हुआ। 1972 से प्रशिक्षण के दायरे बढ़ा दिए गए और संस्था ने अन्य कोर्स शुरू किए जिसे ITI कोर्स की भी मान्यता प्राप्त हुई। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, इंग्लिश स्टेनोग्राफी, रेडियो तथा टेलीविजन मैकेनिक, क्लॉक मेकर और वायरमैन जैसे कारोबार के प्रशिक्षण से संस्था अधिक जवानों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए निष्ठा से काम करने लगी और आज भी कर रही है। भारतीय जवान जान की बाजी लगाकर युद्ध भूमि पर लड़ते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए अपना जीवन हथेली पर रख देते हैं। ऐसे में QMTI यह संस्था हाथ पैर गवा देने वाले जवानों के परिवार के भविष्य को जितना हो सके सहारा देती है, उन्हें कारोबार दिलाने के लिए सहायता करती है ताकि उनकी आगे की जिंदगी भी गर्व से, शान से सीना तान कर जी सके। संस्था के इस कार्य को दुनिया भर से सराहा गया है, जैसे कि 1993 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अवार्ड, 1997 में राष्ट्रीय पुरस्कार और अन्य कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समय के अनुसार कुछ जरूरी बदलाव भी प्रशिक्षण में किए गए हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैनेजमेंट प्रोग्राम, MSCIT जैसे कोर्सेस का भी चयन करने की सुविधा प्रशिक्षणार्थियों को दी गई है। इस बहुउद्देशीय और सभी जरूरतमंद जवानों के जीवन में सूरज की नई किरण जगाने वाले संस्था ने पिछले 99 सालों से तो सेवाएं दी हैं, पर अब 100वें साल के अवसर पर अगला सफर और भी बेहतरीन और संस्मरणीय बनाने के प्रयास में हम सभी अपना योगदान देकर उन जवानों की सहायता करने का वचन देते हैं। जय हिंद।